एक बात सदैव याद रखना चंद्रगुप्त, आत्मिक ज्ञान से बड़ा कोई आनंद नहीं, कामुकता से बड़ी कोई व्याधि नहीं, और शारीरिक आकर्षण से बड़ा कोई शत्रु नहीं। मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं रखता कि आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करें। मैं आपसे यह भी नहीं कहता कि आप उन बातों पर विश्वास करें जो सब कह रहे हैं। आप उन बातों पर भी विश्वास ना करें जो मात्र आपकी धार्मिक पुस्तकों में लिखी गई हैं। आपसे बड़े आपके वरिष्ठ आपके आचार्य जो कहते हैं, आप उन पर भी आंख मूंद कर विश्वास ना करें। परंपराएं चूंकि पीढ़ियों से चली आ रही हैं, मात्र इसी आधार पर उन बातों पर विश्वास ना करें। आप उन बातों पर विश्वास करें जिन्हें आपने स्वयं देखा है, जिनका निरीक्षण आपने स्वयं किया है, जो आपको तर्क संगत लगे, जिनसे आपको लगे कि बहुजन हिताय ही बहुजन सुखाय है, तभी आप विश्वास करें। हर महान स्वप्न का आरंभ उस व्यक्ति से होता है जो स्वप्न देखता है, किंतु स्वप्न देखने वाले को यह सदैव याद रखना चाहिए कि इच्छा शक्ति और लगन उसके भीतर ही होती है, जो ग्रहों और नक्षत्रों तक पहुंचकर पूरे जगत को बदल सकती है। अब भी सब कुछ नहीं बिगड़ा है चंद्रगुप्त, जो चला गया उससे कहीं अधिक महत्व जो हमारे पास है, हमारे साथ है, उसका होता है। मैं जब भी कोई योजना बनाता हूं उसमें दो विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखता हूं, योजना का लक्ष्य अचूक हो और किसी भी उपलब्ध वस्तु या बात को घातक हथियार बनाने की क्षमता उस योजना में हो। जब हम कहते हैं कि हमारा जन्म इस धरती से हुआ है, तो इस बात के पीछे हमारा एक भाव होता है कि हमें सब कुछ इसी धरती से मिलता है। ये धरा खेत बनकर हमारा पेट भरती है, अपने आंचल में हमें रहने के लिए स्थान देती है, अपने जल स्रोतों से हमें पीने के लिए जल देती है, हमारी सांस लेने के लिए हमें हवा देती है। ये धरती हमारे लिए मात्र चलने की वस्तु नहीं, मां समान पूजनीय है। कोई भी व्यक्ति असाधारण बुद्धिमान नहीं होता, व्यक्ति या तो बुद्धिमान होता है या मूर्ख। असाधारण क्या है इसमें? हम सभी सामान्य मानव हैं, वे भी हम जैसे ही हैं। एक बात सदैव याद रखना इंद्रदत्त, राजनीति के इस खेल में शासक के पास सबसे घातक हथियार शासित की सोचने की शैली को लेकर उसकी समझ होती है। अब ये हमें मिलकर तय करना है कि शासक है कौन और रहेगा कौन।